हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्तिमयी दास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी देखिए मेरा लड़का वापी जो बोल रहा है कैमरा उस तरह घुमाओ क्योंकि मैं चाय नाश्ता कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिज साफ करने की तैयारी कर चुकी हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाई, पहले मैं दिखा देती हूँ मैं क्या 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 है। देखिए ये देखिए मैं फ्रिज, देखिए ये क्या कहते हैं भीम जो होता है ना, उसी में मैं लगा के इसको रगड़ लिया है फ्रिज पूरा। अभी इसको बस मैं अभी पानी बाल्टी भी रख, पानी की बकेट भी रख चुकी हूँ, कपड़ा भी रख चुकी हूँ, इसको पोछ रही हूँ। देखिए यहाँ तक मैं पोछ चुकी हूँ, ऑलरेडी पोछ चुकी हूँ। देखिए पूरा फ्रिज खाली कर दिया है, पूरा प्लेट देखिए, बस इसको अभी पोछ रही हूँ और इसका जो पूरा सामान है मैं किचन में रखी हूँ उसको साफ करूंगी। पूरा निकाल के रख दिया है, पूरा 1.5 महीने का कोटा अभी पूरा हो रहा है। देखिए कितना गंदा पड़ा है ये सब, इसको मैं और ये जो देख रहे हो मैं खुद एक पन्नी मिलता है उसको ला के मैं काट के फ्रिज में डालते हैं, लेकिन मैं आइडिया लगा के ये लगा दिया है इसके ऊपर ताकि कांच जो है वो खराब, जो शीशा है फ्रिज का वो ख़राब नहीं होता है, ऐसे की ऐसे रहता है। बस ये लगा दो अच्छा है, कभी भी चाहो इसको चेंज भी कर सकते हो। तो चलो हम फ्रिज साफ कर लेते हैं पहले। देखिए सोनी यहाँ पर बिस्किट खा रही थी चाय में डूबा के, वो खा के आधा अधूरा छोड़ के गई है। चलो मैं अभी फ्रिज साफ, सुनी गाइस मैं यहाँ पर देखिए फ्रिज क्लीनिंग में लग गई हूँ। कल मेरा क्वार्टर क्लीनिंग का ब्लॉग गया था और जो आधा अधूरा जब भी और भी जो क्वार्टर का बाकी थोड़ा बहुत क्लीनिंग है वो मैं कर लूँगी, लेकिन आज मैं फ्रिज का क्लीनिंग कर रही हूँ। और मैं पहले से शुरुआत से नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं भूल ही गई फ्रिज क्लीनिंग में लगी और सारे सा एम्प्टी करके भीम से थोड़ा बस रगड़ लिया था फ्रिज को हल्के हाथ से। अभी मेरा मैं आज आप लोगों के साथ फ्रिज क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैं फ्रिज का जो अंदर वाला हिस्सा है वो मैं पोछ रही हूँ। पहले ये प्लेट पोछ के लगा दिया क्योंकि पानी बहुत टपक रहा था नीचे, जितना पोछूँ उतना पानी आ रहा था। तो ये वाला जो प्लेट है जो पानी टपक के नीचे जाएगा वो वाला प्लेट मैंने पहले लगा दिया है ट्रे, तो उसमें पानी और ना टपके इसलिए तो पहले पोछ के लगा लिया है। अभी ये वाला जैसे क्लीन हो जाएगा फ्रिज का अंदर वाला, फिर मैं डोर वाला क्लीनिंग आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पर देखिए गाइस मैंने एक बार गीला कपड़ा करके पोछ लिया जो भीम लगा हुआ था सोप, उसको पोछने के बाद फिर से मैंने कपड़ा धो के फिर एक बार पोछ रही हूँ। ऐसे करके मैं 2-3 बार ऐसे गीला कपड़ा निचोड़ के कपड़ा साफ करके 3-4 बार मैंने डोर को क्लीन किया है।
अच्छे देखिए फ्रिज कितना गंदा था कितना क्लीन हो गया। जैसे मेरा ये न्यू फ्रिज है, 1 साल हो गया फ्रिज को, तो ये क्या है ना, हम लोग गए थे ना पूरा बंद पड़ा था, तो इसीलिए बहुत गंदा हो चुका था। इसलिए थोड़ा भीम जो बर्तन साफ करती हूँ उसी में, जो नरम वाला जो स्क्रच ब्राइट होता है उसी में मैं थोड़ा हल्के हाथों से ये सब रब कर लिया है। और फिर इसको क्या कर रही हूँ, अभी पानी वाला जो बाल्टी में पानी ला के और कपड़े से कॉटन से अच्छे से उसको साफ कर लेती हूँ। फिर इसको एक बार और अच्छे से कॉटन चुपड़ निचोड़ के फिर से इसको साफ कर लूंगी। फिर सूखे कपड़ा होता है उसमें अच्छे से साफ कर लूंगी, तो ये मेरा फ्रिज का पूरा साफ हो जाएगा। फिर जो रखा है मैंने जो किचन में, उसको मैं सब साफ करके उसको ड्राई करके फिर फ्रिज में सेट कर लूंगी। आज मेरा व्लॉग बस ये है कि मैं फ्रिज क्लीन कैसे कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ। और कल गाइस मेरा तो पूरा कमर ही टूट गया, पूरा क्वार्टर साफ करके, आपने देखा वीडियो में छोड़ा था कुछ बोलने में दिक्कत होती, कल आपने देखा था मैंने शेयर किया हुआ था वीडियो, जो है पूरा क्वार्टर का डीप क्लीनिंग था कल। और भी इस रूम का है और कबर्ड है उसका साफ करना है। और फ्रिज तो मेरा लगभग देखिए पूरा साफ दिख रहा है आप लोगों को, तो चलो साफ कर लेते हैं। ये देखिए गाइस मैं एक ड्राई कपड़ा लेके आई हूँ, इसमें फिर क्या करूंगी फ्रिज को एक बार फिर से साफ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ। गाइस देखिए मैं एक बात सबको बता रही हूँ, फ्रिज का पूरा अच्छे से डोर कैसे साफ करना है मैं दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, देखिए ये डोर है, डोर का ये जो रबड़ है ये देखिए, मैं फोकस देखिए इसके अंदर देखिए, इसको भी साफ करती हूँ मैं, देखिए कितना क्लीन रखती हूँ मैं, पूरा इसके अंदर भी साफ करती हूँ। और ये जो देख रहे हो ये लग रहा है ये सोडा थोड़ा लगा दूंगी तो ये मेरा साफ हो जाएगा। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों मेरा, तो चलो ये रबड़ के अंदर मैं साफ कर लेती हूँ। देखिए इसको ऐसे कपड़े से थोड़ा सा खोल के ऐसे साफ कर लेंगे ना, देखिए देखिए ऐसे पूरा साफ करना है, ऐसे साफ कर लेती हूँ फटाफट में। हाँ में ये रबड़ की देखिए थोड़ा सा उंगली स्ट्रेस करके ऐसे पूरा साफ कर लेती हूँ, पूरा गंदा जो है निकल जाता है जो भी फ्रिज साफ करना। ये देखिए आपका फ्रिज पूरा कवर भी जो इसका डोर होता है पूरा क्लीन रहेगा, ऐसे थोड़ा साफ करने का पड़ेगा, देखिए इतना गंदा निकल रहा है। पूरा मैंने डोर को अच्छे से ये वाला साइड जो होता है रबर ये देखिए ये इसको पूरा अच्छे से ऐसे थोड़ा बस उंगली से एक एक उंगली डाल के ये पूरा अंदर को आप साफ कर लेना तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। देखिए पूरा डोर मेरा देखिए ये रबर देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। अगर फ्रिज को हमेशा ऐसे साफ करके रखते रहोगे तो आपको फ्रिज हमेशा ऐसे चमकता रहेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे डीप क्लीनिंग करना चाहिए और अच्छा लगता है। और गैस देखते हो ये जो ये पार्ट होता है कोई कोई छोड़ देता है पूरा गंदा जम जाता है, इसमें ऐसे कपड़े ऐसे भर लेना है, इसके अंदर ऐसे भर के उसको ऐसे रख कर लेना है तो अंदर भी जो कितना गंदा है वो निकल जाएगा, तो आपका फ्रिज हमेशा साफ रहेगा। जो ये पार्ट होता है ये इसमें
थोड़ा सा उंगली ऐसे प्रेस करके अंदर से पोंछ लेना है ताकि इसके अंदर गंदगी ना जमे और पीला पीला ना पड़े। देखिए ऐसे उंगली डाल के ऐसे ऐसे साफ करना है। देखिए जितना भी कचरा है वो हमेशा निकल, ऊपर ऊपर से कोई करते ऊपर ऊपर से ऐसे पोंछ लेंगे लेकिन ये जो अंदर का हिस्सा है ये साफ नहीं रहता है, तो इसको अच्छे से साफ करना चाहिए। तो इसको देखिए मैं पूरा साफ कर लेती हूँ, इस साइड भी ऐसे कर लूंगी उंगली डाल के उसको। ये नहीं कि सब पोछे इसके अंदर कौन कैसे करेगा, ये तो कोने मेरे जगह वो सब साफ होगा। जहां पर उंगली नहीं जाता है मैंने बता दिया, ऐसे कपड़े ऐसे अंदर तक ऐसे ऐसे प्रेस कर देना है, कपड़े को ऐसे ऐसे रब कर देना है। तो ये जो हिस्सा से है ये भी गंदगी निकल गया है। तो देखिए पूरा फ्रिज मैंने अंदर का साफ कर लिया है। देखिए गाइस मैंने पूरा अच्छे से साफ कर लिया है, इसके बाद बोल रही हूँ। और देखिए फ्रिज इसके अंदर से देखिए मैं थोड़ा उंगली डाल के देखिए फ्रेश की साफ किया है, थोड़ा थोड़ा ये है ना, देखिए एक बार और साफ कर लूँगी इसके अंदर से भी कचरा निकल जाएगा। ये जो निशान आप देख रहे हो ना ये बस कुछ ना, और एक बार साफ कर लेंगे ना पूरा साफ हो जाएगा। अभी मैं इसके अंदर का जो पार्ट है वो सब किचन में रखी हूँ, वो सब मैं साफ कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर लगा दूंगी और फ्रिज का बाहर साफ होगा। बस ये वाला मैं पॉलिन होता है उसमें साफ कर लूँगी। चलो अंदर का हिस्सा साफ कर लेते हैं। ये देखिए अंदर वाला चीज़ अभी है ये साफ करूँगी। ये देखिए बोतल था फ्रिज के अंदर, ये बोतल कैसा हो रखा है देखिए, तो चलो इसको साफ कर लेती हूँ। अभी देखिए गाइस मैंने ये सब धो के साफ कर लिया है, फ्रिज का जो अंदर का जितना भी ये वगैरह है सेल्फ है वो सब मैंने धो लिया है, साफ कर लिया है। अभी उसको ड्राई से कपड़े से अच्छे से पोंछ के फिर मैं फ्रिज के अंदर लगा लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस मैंने जो फ्रिज का अंदर का सारा पार्ट था वो मैंने बर्तन सब जो होता है उसमें पूरा साफ करके फिर अभी मैं फ्रिज के अंदर लगा लिया है। ये देखिए गाइस पूरा मैंने फ्रिज मेरा पूरा क्लीन हो गया, अंदर का डीप क्लीन कर लिया है मैंने, इसको पूरा अच्छे से धो के इसको सुखा के फिर पोंछ लिया है और सेल्फ मैंने पूरा लगा लिया है। और इसके अंदर जो सामान है अब मैं रख लेती हूँ। देखिए ये मलाई है इसको मैं रख लेती हूँ। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे और ये जो ट्रे लगाया है फ्रिज का अंदर सेल्फ है उसका पन्नी कहाँ गया, तो गाइस वो क्या हुआ ना मैं जब वो पन्नी निकाल रही थी उसको सेलोटेप से चिपका दिया था क्योंकि वो फिसल रही थी,
तो जब वो सेलो टेप निकाली तो पन्नी फट गया, तो एक पन्नी कम होने से अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने पन्नी जो अंदर का डाला था वो सब निकाल लिया है। दूसरा कभी पन्नी लाऊंगी तब लगाऊंगी। देखिए मैंने पूरा सब्जी भी रख लिया है इसके अंदर, रख लिया है। ये थोड़ा सा चटनी था यहाँ पर रख लेती हूँ, बाद में इसको खा लेंगे। अब देखिए मेरे फ्रिज में कोई सामान है, अभी हम लोग ने थे ही नहीं, अभी धीरे धीरे सामान भर जाएगा। तो चलो फ्रिज को हम बंद कर लेते हैं। अभी फ्रिज का बाहर का थोड़ा बस निकलना है। तो गाइस चलो मैं फ्रिज का ओवरलुक दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो गाइस आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो, माई फ्रिज डीप क्लीनिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरा फ्रिज क्लीनिंग करने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भूल नहीं जाना। तो रहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी, तब तक बाय बाय।